सालों की दोस्ती, महीनों का प्यार और खूनी जुनून साहिल पर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे उसके दोस्तों के सामने वो नाबालिग बच्ची मजाक भी कर लेती है। और ठीक इसी जगह पर हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं जहां मैं मौजूद हूँ, ठीक इसी जगह पर उस रात उसने दर्दनाक तरीके से उस नाबालिग बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। साहिल अब सलाखों के पीछे है, पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में उस चाकू को पुलिस ने बरामद कर लिया है जिससे 20 बार उसने उस नाबालिग बच्ची के अंदर घोपा और उसकी हत्या कर दी बेरहमी से। इसी जगह पर उस चाकू को बरामद कर लिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि शुरुआती पूछताछ में साहिल ने गुमराह करने का काम किया था, साहिल ने यह कहा था कि रठाला में उसने वो चाकू फेंका है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसके बाद में अब रोहिणी के सेक्टर 11 से पुलिस उस चाकू को बरामद कर लेती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि एक बड़ा एविडेंस भी है जिस तरीके से उसने मारा, चाकू से हमला किया, न केवल चाकू से हमला किया, जब तक वो उसको ये नहीं लगा कि उस लड़की की हत्या हो गई है।